यूपी में 2100 नलकूप और लगाएगी सरकार। बरेली पुलिस की पहल, आउट ट्रैफिक सुधारें। बरेली में पुलिस ने दबोचा राइफल चोर। बरेली मंडल में बच्चा चोरों की अफवाह झूठ। गणपति के स्वागत को बरेली हुआ तैयार। और बरेली की शख्सियत में आज चेतन चौहान। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी के कई जिलों में सूखे जैसे हालात देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार सिंचाई के इंतजाम बेहतर करने में जुटी है। सरकार राज्य में 2024 तक 2100 नए नलकूप लगाने जा रही है। योगी कैबिनेट में 921 करोड़ की लागत से नए नलकूपों के साथ मंगलवार को 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के स्तर से बताया गया है कि परिवहन विभाग में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आगे से सिमुलेटर ड्राइवर टेस्ट के बाद ही जारी किए जाएंगे। टेस्ट में 70% मार्क जरूरी होंगे। वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपी मॉडल पर संचालित करने को। राज्य में ऑटोमेटिक जांच स्टेशन बनाए जाएंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पदों की तैनाती भी की जाएगी। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने 2,00,000 निःशुल्क तोरिया के तोरिया सरसों की प्रजाति का होता है तिलहन का, उसकी मिनी किट का निःशुल्क वितरण करने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाने के लिए जो चेकिंग की व्यवस्था थी उसको स्वचालित किया जा रहा है पीपीटी मॉडल पर। स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। स्मार्ट होते शहर बरेली में ट्रैफिक दुश्वारियां अब भी जनता का पीछा नहीं छोड़ रही। सभी प्रमुख चौराहे लालबत्ती से लैस होने के बाद जाम के हालात बन रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए अब बरेली पुलिस ने खास पहल की है। ट्रैफिक में सुधार के लिए पुलिस ने बरेली की जनता से जरूरी सुझाव मांगे हैं। इसके लिए पुलिस के स्तर से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए कोई भी नागरिक कभी भी ट्रैफिक सुधार के लिए अपना महत्वपूर्ण सुझाव पुलिस कार्यालय तक पहुंचा सकता है। बरेली में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। एक ही दिन में पुलिस ने चोर, लुटेरे और पॉक्सो एक्ट के आरोपी सहित 4 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। भोजीपुरा पुलिस ने पेशेवर चोर राजेश को अरेस्ट किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरदोई जिले से चोरी की गई लाइसेंसी राइफल के अलावा चोरी का और भी सामान बरामद किया है। कोतवाली बरेली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों पर शिकंजा कसा है, जबकि नवाबगंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बरेली मंडल में बच्चा चोरों की दस्तक को लेकर फैल रही अफवाहें पुलिस के साथ आम जनता के लिए भी बेवजह टेंशन पैदा कर रही है। अफवाहों की वजह से बेकसूर लोग परेशान हो रहे हैं। अजनबी लोगों को पकड़कर पूछताछ करने जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बच्चा चोरों की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए लोगों से इस तरह की गलत सूचनाओं पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। अफसरों के स्तर से कहा गया है कि पुलिस सभी जगह मुस्तैद होकर काम कर रही है। लोग अफवाहों पर भरोसा ना करें और कोई भी जानकारी हो तो तुरंत चौकी, थाना या 112 पर सूचित करें। के माध्यम से ये बताना चाहूँगा जनता शाहजहाँपुर के सभी वासियों को कि इस तरह की अफवाहें पहले भी आई हैं और इसके कारण से अनावश्यक एक डर का माहौल पैदा होता है और साथ साथ में कोई निर्दोष व्यक्ति जिस पर गांव वालों को शक हो, गरीब आदमी जिसका रहने की जगह ना हो या कहीं भटक रहा हो, उसको चोर समझ के इस तरह से उसके साथ हाथापाई हो जाती है और किसी दिन कोई गंभीर घटना भी हो जाती है जिसके लिए फिर परेशानी उठानी पड़ती है जिन लोगों ने ऐसा किया। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस लगातार रात में भी गश्त पर रहती है और आप लोग यदि इस तरह की कोई समस्या हो तो मैं अपने मीडिया सेल के माध्यम से भी बता डाल दूंगा इसको कि जो DCR का नंबर है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का, उस नंबर को डायल करें, 112 नंबर डायल करें, तुरंत पुलिस की कार्रवाई वहां होगी अगर किसी को शक, किसी पे शक होता है या कोई बात। बरेली में गणपति महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मराठा बुलियन गणपति महोत्सव सहित विभिन्न संगठनों ने गणपति उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। बरेली महानगर में भव्य गणेशोत्सव आलमगिरी गंज की बाबू राम धर्मशाला में होना है।
गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे पहले गणपति की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गणेश महोत्सव समिति व मराठा बुलियन के प्रयासों से यह महोत्सव पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के पहले दिन गणेश दर्शन यात्रा बरेली नगर में भ्रमण करेगी, जिसके बाद विधिवत गणपति स्थापना की जाएगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों के सहित बरेली वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, सारे बरेली महानगर के भक्तों को बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं कि 26 वर्ष पहले मराठा एसोसिएशन द्वारा गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। एक छोटे से स्तर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन आज गणेश महोत्सव के कार्यक्रम का भव्य रूप हो गया है, जिसको हम भव्य तरीके से मनाते हैं, जिसमें हम 31 तारीख को कल गणेश प्रतिमा की स्थापना करेंगे। और साप्ताहिक चलने वाले इस कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जो सांस्कृतिक और अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिसके बाद 6 तारीख को हम गणपति बाप्पा का विसर्जन करेंगे। बरेली की शख्सियत में आज बारी है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान की। क्रिकेटर चेतन चौहान का जन्म बरेली में ही हुआ था, लेकिन उनके पिता की तैनाती फोर्स में होने के कारण जन्म के कुछ समय बाद ही वे पिता के साथ पुणे महाराष्ट्र चले गए। चेतन चौहान ने अपनी प्रतिभा के दम पर क्रिकेट की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने 70 के दशक में अधिकतर मैच सुनील गावस्कर के साथ खेले। चेतन चौहान NIFT के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ वे यूपी में अमरोहा जिले के नौगांव सादात विधानसभा से सदस्य रहे और यूपी सरकार में खेल एवं युवा मामलों में मंत्री भी रहे। हालांकि बरेली से उनके नाते के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बरेली से उनका गहरा नाता है और यह उनके जन्म से जुड़ा है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।